गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था वर्क डन के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा हमने, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन कब होगा। हमने इसका फार्मूला पढ़ा कि जो वर्क डन हाफ का वो किसके इक्वल होगा, एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा। अब हमने वर्क डन निकालना है, किसके टर्म्स में निकालना है, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं आपके, जो हम एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो वर्क डन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में निकालने के लिए हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी किस में लेने पड़ेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। Let F is the force applied on body and S is the displacement flow. Which are given as below. F ले लिया हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के क्रम में, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड पी। एफ एक्स आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एफ वाई आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड एफ जेड इसके लॉन्ग आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग। आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्यू। हमने वर्क डन निकालना है। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज गिवन बाई एफ डॉट एस। एफ और एस की वैल्यू पुट कर दो, एफ आपका एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट एस की वैल्यू पुट कर दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट है आपका, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे वाला जे के साथ प्लस के वाला के साथ। तो ये हो जाएगा आपका यहां से एक्स एफ एक्स प्लस फिर वाई वाला कंपोनेंट वाई एफ वाई प्लस फिर जेड वाला मल्टीप्लाई कर दो जेड एफ जेड। यह आ गया आपका वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दिस इज अ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसके बाद है फिर आपका यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या है, वर्क डन की अब तक आपने या फिर एनर्जी की यूनिट पढ़ी है जूल इन एसआई सिस्टम, यहां पे और अलग यूनिट पढ़ेंगे हम। एसआई सिस्टम में तो क्या है आपकी जूल है, और सीसीएस में क्या है अर्ग है, ये इसकी एब्सोल्यूट यूनिट है। दो तरह के आपके सिस्टम को डिवाइड किया गया, आपके एब्सोल्यूट सिस्टम एंड ग्रेविटेशनल सिस्टम। तो दो यूनिट होंगी आपकी वर्क डन की, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट।
एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क डन। फर्स्ट इसकी आपकी एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, वर्क कैपिटल जैसे शो करेंगे इसको। वी नो दैट वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ एस कोस थीटा के। तो काम एक जूल कब होगा आपका भाई, एफ इक्वल वन न्यूटन, वर्क डन की एसआई यूनिट ली है तो फोर्स भी एसआई मिलेंगे वन न्यूटन, एस इक्वल वन मीटर, डिस्प्लेसमेंट एक मीटर हो, एंड थीटा इक्वल जीरो डिग्री, थीटा इक्वल जीरो डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस में होने चाहिए आपके सेम डायरेक्शन में, देन तो ही वर्क डन क्या होगा आपका वन जूल के इक्वल। तो कैसे डिफाइन करेंगे एक जूल काम को, द वर्क इज कॉल्ड ऑफ वन जूल व्हेन, कब, जब बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे एक मीटर, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, कितने फोर्स की डायरेक्शन में, वन न्यूटन की डायरेक्शन। हेंस वर्क इज सेड टू बी ऑफ वन जूल व्हेन बॉडी टुवर्ड्स वन मीटर डिस्प्लेसमेंट, व्हेन बॉडी टुवर्ड्स वन मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स ऑफ वन न्यूटन। जब एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से बॉडी एक मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा तो एंगल कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे वन जूल। सेकेंड है फिर आपका इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ वर्क डन इज आर, वर्क डन की यूनिट क्या आपकी आर है, इसमें मैं डेफिनेशन खुद लिख लेना, एच डब्ल्यू इक्वल एफ एस कोस थीटा, तो व्हेन फोर्स कितना हो, सीजीएस यूनिट ले रहे हैं हम सीजीएस सिस्टम में, तो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में क्या आपकी डाइन, यानी बॉडी में कितना फोर्स अप्लाई हो एक डाइन, और बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे वन सेंटीमीटर का, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, देन तो वर्क डन कितना होगा आपका वन। तो दी वर्क डन इज सेट टू बी ऑफ वन आर, एक आर को आप कहेंगे व्हेन बॉडी कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन सेंटीमीटर, किसके कारण, फोर्स अप्लाई के कारण, कितने फोर्स अप्लाई करने के कारण, एक डाइन फोर्स अप्लाई करने के कारण, यानी अगर हम किसी बॉडी पे एक डाइन फोर्स अप्लाई करें और वो कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करें वन सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, जिसमें फोर्स अप्लाई किया, तो कितना काम होगा वहां पे आपका एक अर्क काम होगा। और रिलेशन ही में आपका वन जूल इक्वल टेन रेज टू पावर सेवन आर, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक जूल में आपके 10 की 7 अर्क के बराबर हो गए। इसके बाद है फिर आपकी एब्सोल्यूट यूनिट के बाद ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क, वही फिर आपके हिंद
एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ वर्क डन इज किलोग्राम मीटर। क्या यूनिट है इसकी आपकी? किलोग्राम मीटर। वी नो दैट डब्ल्यू इक्वल एफ एस कॉस थीटा। तो व्हेन यहां पे ग्रेविटेशनल सिस्टम में या ग्रेविटेशनल यूनिट है जो फोर्स की, वो क्या होती है आपकी? 1 किलोग्राम फोर्स, केजीएफ से शो करते हैं जो फोर्स की आपकी एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट। आपने पढ़ा हुआ था यूनिट में लॉज ऑफ मोशन में 1 किलोग्राम फोर्स। एस आपका 1 मीटर और वही थीटा इक्वल 0 डिग्री, देन तो वर्क डन कितना होगा आपका? 1 किलोग्राम मीटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? हेंस वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर। कब? व्हेन बॉडी टुवर्ड्स ए डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी टुवर्ड्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स। ये हो जाए डेफिनेशन एक तरह की है आपकी इग्निशन। फिर आपका इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क डन इज, वर्क डन की यूनिट आपकी ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर। एज डब्ल्यू इक्वल एफ एस cos theta, तो when F equal to 1 gram force, GF, 1 gram force, S equal 1 centimeter and theta equal 0 degree, then तो work done कितना हो जाएगा आपका? 1 gram meter हो जाएगा, sorry 1 gram centimeter। तो वर्क इज सेड टू बी ऑफ 1 ग्राम सेंटीमीटर। कब? जब फोर्स कितना हो अप्लाई हो बॉडी पे? 1 ग्राम फोर्स, और बॉडी इस फोर्स की डायरेक्शन में कितने डिस्प्लेसमेंट और करे? 1 सेंटीमीटर। तो वर्क डन कितना होगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो ये था आज के लिए आपका यूनिट ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। न्यूमेरिकल्स में इन यूनिट का आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।